आपको दीदी अगर राजमा है, राजमा की शक्ल से ही प्यार हो जाएगा, खाओगे तो बाद में आप। हाँ जी, वैसे कोई स्पेशल मसाले नहीं है, सिर्फ इस खाने में प्यार और ईमानदारी है, इसी वजह से कम समय में हमने इतनी प्रोग्रेस करी और लोगों ने भी इतना पसंद करा हमारे खाने को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। मैं हूँ कोमल और आज हम पहुँचे हैं मामूदे चावल पे। यहाँ जो है प्यार वाली थाली मिलती है 80 रुपए की, और भाई हम दिखाएंगे आपको कि इन्होंने मामूदे चावल नाम क्यों रखा और इनके पास क्या क्या वेराइटीज़ है, और हम इनसे बातचीत करेंगे। मैं आपको पहले रास्ता बता देती हूँ यहाँ का। ये है करोलबाग मेट्रो स्टेशन के, ये इस तरफ आएंगे तो ये करोलबाग मेट्रो स्टेशन है, और इस तरफ यहाँ पे झंडे वाला एरिया है, और ये यहाँ पे भैया लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मामूदे चावल में इनके पास स्पेशल रायता है जो कि 10 रुपए का है। जिला टॉप राजमा चावल है 50 रुपए में, छोले चावल, कढ़ी चावल, पनीर चावल, और प्यार वाली थाली जो कि इनकी स्पेशल स्पेशलिटी है प्यार वाली थाली, वो है 80 रुपए की। भैया आपका नाम क्या है? दीदी मेरा नाम लवकुश भदौरिया है। और आप ये कब से लगा रहे हैं? ये लगभग 5 साल हो गई मुझे। अच्छा। हाँ जी। 5 साल से लगा रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा, और आपने ये जो प्यार वाली थाली है और मामूदे चावल हैं, ये नाम कैसे सोच के रखा है? नाम ऐसे सोच के रखा है कि जैसे हम और आप जाते हैं तो हमें मामा के यहाँ बहुत सम्मान मिलता है, तो इस वजह से मैंने मामू चावल लिखा कि लोग कस्टमर आते हैं उसका सम्मान करें, यानी दुकान पर जा रहे हैं मामू के यहाँ जा रहे हैं, ये फीलिंग आनी चाहिए कस्टमर को भी। अच्छा, और ये प्यार वाली थाली? प्यार वाली थाली में 4 रोटी 2 सब्जी, चावल, सलाद, चटनी, पापड़, चावल और मामू का ढेर सारा प्यार। तो अभी आपके पास क्या क्या है? अभी मेरे पास सारी चीज़ें हैं, रायता भी है, राजमा चावल है, छोले चावल, कढ़ी चावल है, पनीर चावल भी है और प्यार वाली थाली। हाँ जी। और आपने यहाँ पे लिखा है जिला टॉप राजमा चावल, तो ये क्या सोच के रखा है? ये राजमा चावल दीदी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बिकता है और लोगों का ही पसंद आता है ये। हाँ जी, ये भी राजमा चावल ही है? हाँ, राजमा चावल। हाँ जी, हाँ जी, जिला टॉप राजमा चावल। आप कहीं भी खा लोगे पर सेम आपको कैसा कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये खुद का हमारा टेस्ट है, हमने किसी का चोरी नहीं करा हुआ ये, तो यहाँ टेस्ट हमारा खुद का। आपको इससे अच्छा मिल जाएगा, इससे ख़राब मिलेगा, पर सेम ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा स्पेशलिटी राजमा चावल में ज़्यादा है। हाँ जी। और आप यहाँ पे कब से कब तक लगाते हैं? मेरी टाइमिंग 10 से 5:30 है। हाँ जी। और आप यहाँ का लोकेशन बता दीजिए कि लोग कैसे आएँ? अपोजिट मेट्रो प्लेट नंबर 80 पूसा रोड करोलबाग। तो आपने सुन ही लिया होगा, एड्रेस भी इनका सुन लिया होगा, और इनकी जो हाँ पिलर नंबर जो है 80। तो भाई ये करोलबाग के मशहूर मामूदे चावल हैं और 50 रुपए में देते हैं, और बहुत सारे इनके पास पनीर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं। ये इन्होंने एक कार में सेटअप किया हुआ है पूरा, ये कार है और जहाँ पे इन्होंने पूरा सेटअप किया हुआ है। तो अब तो खैर ये बहुत फेमस हो गए हैं, यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और ये इनका छोटा सा सेटअप है। तो अब हम दिखाते हैं कि इनके पास क्या क्या है। ये जैसे जिला टॉप राजमा, ये है भाई जिला टॉप राजमा, जिसके प्राइस 50 रुपीज़ है ना? हाँ जी, 50 रुपीज़। यही है। और भाई इसका कलर देखो, मतलब और राजमा से अलग लग रहे हैं, मुझे टेस्टी लग रहे हैं। आप देखते हैं लोगों के रिव्यू भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे होंगे। ये है कढ़ी चावल, वाओ बहुत टेस्टी लग रहे हैं। कितनी गाढ़ी, कितनी गाढ़ी है। पालक पकौड़ होता दीदी ये? अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। और जो मसाले आप यूज़ करते हैं वो? ये इसमें दीदी मसाले कोई हम खास यूज़ नहीं करते, इसमें सिर्फ प्यार और ईमानदारी है इस खाने के अंदर। अच्छा, सब कहते हैं हमारे स्पेशल मसाले, हमारे पास ऐसे कोई स्पेशल मसाले नहीं है, सिर्फ इस खाने में प्यार और ईमानदारी है, इसी वजह से कम समय में हमने इतनी प्रोग्रेस करी और लोगों ने भी इतना पसंद करा हमारे खाने को। अच्छा। ये छोले देखिए। अच्छा अच्छा, ये भाई ये छोले का रंग देखिए, और बहुत गर्म है, ये गर्मा गर्म है भाई, टेस्टी लग रहा है। आप भी एक बार यहाँ पर आएंगे तो बहुत एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। आपको दीदी अगर राजमा है, राजमा की शक्ल से ही प्यार हो जाएगा, खाओगे तो बाद में आप। हाँ जी, हाँ जी। तो ये कह रहे हैं कि राजमा देखने से ही मतलब आपको अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा, सच में टेस्टी लग रहा है। और इनका जो हाँ इनकी जो खुशबू आ रही है ना, वो बहुत अच्छी लग रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बस अभी खा ली। तो और ये आपके हैं पनीर की ग्रेवी होती है, पनीर अलग से डालते हैं हम। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, ग्रेवी वाला। हाँ जी, हाँ जी, ये भी बहुत टेस्टी लग रहा है, ऐसा लग रहा है घर जैसा है पूरा। तो आप मतलब सुबह तैयार करते होंगे? हाँ जी, सुबह जग जाते हैं 5 बजे। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, 5 बजे उठ के तैयार करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर यहाँ पे कब तक?
शेड्यूल यहाँ 10 बजे आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी 10 बजे तक यहाँ पे आ जाते हैं। और ये साथ में आप पापड़ देते हैं? हाँ पापड़ देते हैं साथ में। भैया रायता है स्पेशल 10 रुपए का, काफी गाढ़ा रायता है। और इनकी जो क्वालिटी है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि रायता हो या राजमा हो या छोले हो कढ़ी हो सबकी क्वालिटी एकदम बेस्ट है। मतलब आपको रेस्टोरेंट जैसा खाना जो है यहाँ पे अच्छे दाम में मिल जाएगा। ये इनका कार में ही सेटअप है और इस तरह से इन्होंने लगाया हुआ है, यहाँ पे सब इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है। ये ग्रीन सॉस वगैरह है, सब कुछ जो है इन्होंने गाड़ी में लगाया हुआ है। और आपको एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जो है गर्मा गर्म चावल भी इनके बन रहे हैं। सर आपको कैसा लगा खाना? बढ़िया बना हुआ है, अच्छा टेस्टी है इनका मामूदे चावल। कब से आ रहे हैं आप यहाँ? मैं दो तीन साल से आ रहा हूँ यहाँ रेगुलर, जब भी करोल बाग आना होता है तो इनके पास ज़रूर आना होता है। तो गाइस ये देखिए ये चावल है इनके गर्मा गर्म और अब प्लेट लगने वाली है, एकदम खिले खिले चावल हैं। और सर्व देखिए कितने अच्छे तरीके से करते हैं, एकदम हाइजीनिक तरीके से यहाँ पे सर्व हो रहा है। अब ये इन्होंने डाला है पापड़, ये रही प्याज, और उसमें इन्होंने डाली है थोड़ी सी ग्रीन सॉस और चिली। अब ये फूड वैन में आपने कई जगह खाया होगा, लेकिन जो प्लेट सिस्टम में देते हैं ये आप पहली बार देखोगे दिल्ली शहर के अंदर। फूड वैन के अंदर ऐसे रेस्टोरेंट वाली प्लेट कहीं नहीं मिलेंगी आपको। यहाँ पे जो पैकिंग सिस्टम भी है और यहाँ पे आप पैकिंग देख लीजिए, मतलब बहुत हाइजीनिक तरीके से होता ही है। अब ये जाएंगे राजमा के लिए। तो भाई मुझे जो है यहाँ पे आके जो इनका सिस्टम है ना, राजमा चावल कढ़ी चावल, मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत अमेजिंग लगा। तो भैया कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? मैं आज फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। अच्छा। मैं मैरोली से आया हूँ, नियर कुतुब मीनार। वहाँ से यहाँ पर आए हैं, किसी काम से आए थे क्या? काम से आया था, बट मैंने सुना है यहाँ का खाना टेस्टी है तो फिर मैं यहाँ पे आया हूँ आज। तो अच्छा, तो आपने पहले से सुना हुआ है यहाँ के खाने के बारे में? सुना है पहले। अच्छा, तो मतलब कैसा लगा आपको खाना? खाना टेस्ट अच्छा है और सबसे ज़्यादा रायता कुछ ज़्यादा ही टेस्टी है। अच्छा। बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आप आगे भी आएंगे? हाँ नेक्स्ट टाइम आऊँगा, नेक्स्ट टाइम फैमिली को लेके आऊँगा अपने। हाँ, या तो मैं देखूंगा अभी होता है तो मैं पैक करवा के जाऊंगा अगर मेरा काम यहाँ पे जल्दी हो गया फैमिली के। भैया आप कब से खा रहे हैं? ये फर्स्ट टाइम है मैडम, पर टेस्ट बहुत बढ़िया है औरों के मुकाबले। अच्छा। राजमा चावल। तो आप आगे लोगों को रिकमेंड करेंगे? हाँ जी बहुत बढ़िया। अच्छा। तो यहाँ के जो कस्टमर्स हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं और आपको बताएंगे रिव्यू। उसमें सर आपका नाम क्या है? नरेश कुमार नाम है। अच्छा। और आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं? मैं वैसे तो मैं लोकली हूँ, करोल बाग की तरफ ही रहता हूँ, तो मैं एक दो बार आ चुका हूँ पहले। हाँ जी। तो यहाँ का टेस्ट कैसा लगता है? सही टेस्ट है मैम, रीजनेबल है, रेट वाइज ठीक है। और आप लोग यहाँ पे कब आए? हम पाड़न से हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आते रहते हैं या पहली बार आए? आता रहा हर हफ्ते। अच्छा, कैसा लगता है आपको खाना यहाँ का? खाना अच्छा होता है मैम, खाना अच्छा होता है। तो देखिए अब हमने आपको दिखाया है कि यहाँ पे जो कस्टमर हैं वो भी कह रहे हैं कि यहाँ का खाना जो है बहुत अच्छा होता है। तो हम भी कहते हैं आपको कि एक बार आपको यहाँ पे प्यार वाली थाली एक बार ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो चलिए फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, आगे भी हम आपको इसी तरह के वीडियोज़ दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा।